अच्छा हेडरूम मिलता है। हेटेरा बेसाल्ट एक्चुअली क्रेटा से लंबी गाड़ी है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए जिससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, एंड ये बूट जो है वो आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। इंडिया की जो ऑडियंस है ना उनको इम्प्रेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए OEMs अलग अलग डिज़ाइन फिलोसफी के ऊपर काम करते हैं। अभी तक SUVs आती थी, अब जो है वो SUV में कूपे जो है वो आने लग गई है, एंड बेसाल्ट इज इंडियाज फर्स्ट कूपे जो यू नो इकोनॉमिक या बजटेड कूपे है। अगर आप देखो तो लग्जरी में ऑलरेडी BMW या मर्सिडीज जो है वो काफ़ी टाइम से करती हुई जा रही हैं और उनके पास में कूपे डिज़ाइन फिलोसफी बहुत टाइम से है, बट दिस इज़ द बजटेड कार। और अगर आपको चाहिए एक ऐसी गाड़ी जो तकरीबन 10 लाख के अंदर भी आ जाए, डिसेंट फीचर्स हों, 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हो, तो दिस कुड बी द वन। एंड आज इसका डिटेल में हम लोग वॉक अराउंड करेंगे। आज हम जानेंगे कैसे बेसाल्ट एक्चुअली एक अच्छा प्रोडक्ट आपके लिए बनेगा अगर बजट भी आपका ठीक है, आपको क्वालिटी भी चाहिए, आपको स्पेस भी चाहिए, एंड एक नई डिज़ाइन फिलॉसफी भी चाहिए। तो चलिए जानते हैं विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जस्ट इन केस यू आर यूट्यूब चैनल, कंसिडर दिस चैनल सब्सक्राइब, बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोज बना रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इस पोल होल वॉकराउंड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये ग्रिल देखिए आप, क्या कमाल की ग्रिल लग रही है, पियानो फिनिशिंग की ग्रिल है, एंड इसके अंदर जो है वो सिट्रॉन का बैच है विद दीज क्रोम इंसर्ट्स। वो बहुत अच्छे लग रहे हैं क्रोम इंसर्ट, और वो उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये सिट्रॉन का बैज इधर जो है वो लगा हुआ है। अगेन अगर आप ये वाले यूनिट देखोगे तो ये आपको ना एक अपडेटेड वर्जन ऑफ C3 एयरक्रॉस की लैंप्स नजर आने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप आ गया है। अंदर भी अगर आप देखें तो हल्का सा कार्बन फिनिशिंग है, पास आके देखोगे तो आपको पता चलेगा, एंड यहाँ पर जो है वो LED DRL है। अब ये जो DRL है वो बाई फंक्शनल नहीं है, LED DRL हमेशा चलेगी। इसके जस्ट नीचे जो है वो आपके पास में टर्न इंडिकेटर है, एंड इनफैक्ट अगर आप इस वाले पोर्शन से इसको देखोगे तो यहाँ पे सिट्रॉन भी देखने को नजर आने वाला है, उसकी भी अटेंशन टू डिटेल हम उसको कह सकते हैं। छोटा सा बैज है, बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉग लैंप यूनिट है, बट ये हेलोजन पार्ट पे रखी गई है, ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग। एंड ये छोटे छोटे जो एलिमेंट्स है ना, वर्टिकल एलिमेंट्स, ऐसे ही आपको हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स देखने को नजर आएंगे। ये गोल्डन फिनिश थ्रू आउट द बॉडी आपको देखने को नजर, बहुत सारी जगह, बट ये वाला जो पोर्शन आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे, इस वाले पोर्शन पे आपको रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं वो C3 एयरक्रॉस के DNA इसके अंदर मेंटेन किए गए हैं। यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग है अगेन पियानो फिनिशिंग के साथ में, एंड बहुत ही बड़े बड़े जो हैं वो स्पेस दिए गए हैं ताकि हीट इजीली कन्वेक्ट हो सके, एंड इंजन जो है वो ठंडा रहे, एंड साथ ही साथ कंडेंसर यूनिट भी टाइमली क्लीन होता रहे, हवा से कोई धूल धक्कड़ जो है वहाँ पर ना जमे। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है जिससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट ठीक है, इट विल गेट द जॉब डन है। ऊपर यहाँ पर इस वाले पैनल पे अगर आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पर है भाई ये दो ग्रूव्स, और ये जो दो ग्रूव्स हैं वो C3 एयरक्रॉस के अंदर में भी आते हैं। वाइपर्स आपको वो नॉमिनल वाइपर्स ही दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रीमियम फिनिश के साथ में वाइपर दिए गए हों, तो ऑब्वियसली कॉस्ट कट करना है आपको, गाड़ी को जो है वो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली बनाना है, तो ये इस तरीके के वाइपर्स जो हैं वो ठीक रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। और हाँ, अगर आप सेफ्टी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और एडैस आपको चाहिए किसी गाड़ी में, तो ये गाड़ी के अंदर एडैस Level 2 क्या Level 1 भी नहीं आता अभी, तो अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है। इस चीज़ का थोड़ा सा सिट्रों से कंप्लेन है कि वो एटलीस्ट अपर वर्जन वेरियंट्स में तो अपना एडैस या बाकी फीचर्स मेंटेन कर सकते हैं। गाइज, अगर आप मार्केट में नई गाड़ी खरीदने उतरे हो, Delhi NCR से हो, यू कैन एक्चुअली चेकआउट, अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हम आपको फास्टेस्ट एंड क्विकेस्ट डिलीवरी दिलाएंगे यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का। अगर आपको बेसाल्ट खरीदनी है या कर्व खरीदनी है या कोई भी गाड़ी खरीदनी है सेगमेंट की, हम आपको क्विकेस्ट डिलीवरी दिलाएंगे। लेकिन Delhi NCR या विदिन 200 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर आप आ रहे हैं तो ही आप बेनिफिट ले सकते हो। बाकी अगर आप इंडिया के थ्रू आउट किसी भी पार्ट में हो तो आप मेरी कंसल्टेशन का फ़ायदा उठा सकते हो। आप कॉल कीजिए या मैसेज ड्रॉप कीजिए, एक और लिंक आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो आप कंफ्यूज हो तो बुक कीजिए मेरे साथ में कॉल, एंड हम दोनों कनेक्ट कर सकते हैं कॉल पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। सिट्रॉन बेसाल्ट एक्चुअली क्रेटा से लंबी गाड़ी है, जैसे मैंने आपको इंटरव्यू में बताया था, एंड ये कर्व से भी लंबी है 42 mm, जो कि एक डिफरेंस तो क्रिएट करती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इट गेट्स द हाईएस्ट व्हील बेस, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्रेटा एंड कर्व में आने वाली स्पेस से ज़्यादा स्पेस ही ऑफर करेगी। वो इंटीरियर्स में आपको चेकआउट कराऊंगा, लेकिन उससे पहले जस्ट लुक एट दिस ORVM। अब ये जो ORVM है लॉक अलॉक करने पे जो है वो बंद हो जाते हैं, तो आप यहाँ से देखो तो टर्न इंडिकेटर आपको देखने को नजर आ रहा होगा, बट देर इज नो 360 डिग्री कैमरा, ये है ही नहीं यहाँ पे। और बाकी ये कलर मेरे लिए पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये कर्व के अंदर जो कलर आता है वो थोड़ा सा पंजेंट है, लेकिन ये मेरे को ज़्यादा बेहतर लग रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास में बॉडी के ऊपर जो है वो क्लैडिंग दी गई है,
फेंडर से क्लैडिंग जो है वो स्टार्ट होती है, पीछे तक जाती है। यहाँ पर आपको 205 सेक्शन के टायर्स दिए गए हैं, बट मुझे लगता है ये थोड़े छोटे टायर्स हैं, 205 60 रेडियल 16 छोटे तो ज़रूर हैं। डायमंड कट अलॉय व्हील्स है इनके अंदर, प्रोफाइल भी ठीक है, मैकफर्सन स्टड्स का इस्तेमाल किया गया है, एंड जस्ट लुक एट दिस क्लैडिंग, ये जाती है पीछे तक। अब मैं आपको ना छोटे छोटे एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा था, जैसे कि यहाँ आप देखोगे तो ये क्रोम की फिनिशिंग आपको इसके क्लैडिंग के ऊपर ही देखने को नजर आ रही है, काफ़ी मोटी सी क्लैडिंग है तो पीछे तक जाती है, और एक एलिमेंट आपको यहाँ देखने को नजर आ रहा होगा। अब ये जो एलिमेंट है गोल्डन फिनिश के साथ में एंड हॉरिजॉन्टली माउंटेड है, यहाँ पे जो है वो बिल्कुल स्लीक डिज़ाइन इसमें दिया गया है, एंड कोई भी शोल्डर लाइन पे जो है वो क्रोम इंसर्ट वगैरह नहीं है, जैसे कि आपको मिलता है कर्व के अंदर। ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो ये रूफ रेल है, यहाँ से छोटा सा रूफ रेल है, बट ये प्रैक्टिकल नहीं है तो इसको रूफ रेल ना ही कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कोई भी सनरूफ वगैरह आपको नहीं मिलेगी, ना पैनोरामिक रूफ मिलती है, एंड आपके पास में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक शार्क फिन एंटेना ज़रूर मिलता है, और बाकी तो डुअल टोन ट्रीटमेंट वाली यानी कि डीटी वाला वेरिएंट है, और इसके अंदर अगर आप देखो तो डीटी दो कलर ऑप्शन के साथ में आते हैं, वाइट एंड रेड के साथ में, बाकी पांच कलर ऑप्शन है इसमें, वाइट है, रेड है, इसके साथ में ग्रे के दो शेड हैं, एंड एक ब्लू नेवी ब्लू जैसा जो है वो कलर है। अब फिलहाल इसके रियर प्रोफाइल में चलते हैं, वहाँ आपको दिखा देता हूँ। रियर प्रोफाइल से पहले इसकी की फॉर्म दिखा देता हूँ जो अब एडवांस हो गई है, लेकिन एडवांस क्या, पैसिव के लिए सेंटर तो अभी भी नहीं दे रहा, सिट रहा हूँ। लॉक एंड अनलॉक मैकेनिज्म, तो जैसे ही मैं इसका लॉक का बटन दबाऊंगा ये लैंप एक्टिवेट होंगे। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ORVM भी यहाँ से जो है वो डिसलोकेट करता है, अपनी पोजिशन जो को जो है वो क्लोज कर लेता, तो लॉक अब अनलॉक करूँगा तो ये खोलेगा। तो ये पहले जो है वो C3 एयरक्रॉस या C3 में नहीं आया करता, तो दिस फीचर ये एड ऑन किया गया है। इसके अलावा अगर आप इसके रियर के लैंप्स देखोगे ना तो यू विल लव द लैंप्स, बहुत ही मज़ेदार लैंप्स हैं, बड़े लैंप्स आई वुड रेदर से, और बड़े लैंप्स होने की वजह से इनके कर्व्स और भी ज़्यादा निखर के आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये। एंड यहाँ पे टर्न इंडिकेटर दिया गया है, ये लैंप्स रिफ्लेक्टर यूनिट है, LEDs का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, एंड जस्ट लुक एट दीज लैंप्स, ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। C3 एयरक्रॉस की काफ़ी याद दिलाने वाले, क्योंकि उनके अंदर भी ये दो पैरेलल लाइन जो है वो मिलती हुई जाती थी। नीचे से अगर आप देखोगे तो अगेन ट्रिपल टोन ट्रीटमेंट है, यहाँ पे सिल्वरिश फिनिश है इसके प्लेट के साथ में, और डिफ्यूज़र वगैरह तो नहीं दिया गया, एंड रिफ्लेक्टर बहुत ही नीचे माउंट किया गया, बहुत ज़्यादा नीचे है। अगर आप सीधा खड़े हो तो मुझे नहीं लगता कि ये नज़र भी आएगा, बट क्यों, ये रिफ्लेक्टर काम या मोटिव ही ये है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, तो ये रात में काफ़ी मदद करने वाले हैं डेफिनेटली। और ट्रिपल टोन ट्रीटमेंट है, दो ही पार्किंग सेंसर्स हैं, तो यहाँ पर भी आपको कर्व की तरह दो ही मिलेंगे, लेकिन रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको ऑफर किया गया है। मैं अप्रिशिएट करता अगर यहाँ पर चार पार्किंग सेंसर्स होते, बसाल्ट की बैजिंग, सिट्रॉन की बैजिंग, एंड लोगों के साथ में प्योरटेक की बैजिंग इधर देखने को नजर आएगी। एंड मुझे अभी अनलॉक करना पड़ेगा, तो दोबारा अनलॉक करते हैं, देयर यू गो। अब आपके पास में जो रिक्वेस्ट बटन है उसको दबाइए, एंड ये बूट जो है वो आप ईजिली एक्सेस कर पाओगे। अब ये जो बूट है वो है काफ़ी बड़ी सी बूट, और इस बूट को हम कहेंगे 470 लीटर की बूट। अब यहाँ पर जो है आपको थोड़ी सी लोडिंग लिप भी देखने को नजर आने वाली है, एक लैंप दिया गया है, सफिशिएंट इनफ है मैं ये कहूँगा रात के लिए। अभी तो फिलहाल लाइट बहुत ज़्यादा नहीं थ्रो कर रहा, बट एकदम अंधेरे में मुझे लगता है कि हेल्पफुल रहने वाला है। बाकी कोई भी 60-40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स नहीं दी गई हैं, तो ये थोड़ा सा सैड पार्ट ज़रूर है। एंड आपके पास में जो एंड इस साइड ज़रूर दिया गया है हुक एक छोटा सा, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कैपेसिटी वगैरह नहीं दी गई है। बाकी तो अगर मैं बात करूँ इस पार्सल ट्रे की, तो ये जो पार्सल ट्रे है वो काफ़ी स्टडी है, मोटी है, और वही इसके ऊपर जो अजीब सा फैब्रिक आता है मेरे को थोड़ा सा अजीब सा ही लगता है, ये भी सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ आ सकता है, बट क्योंकि ये कॉस्टिंग बढ़ाएगा इसलिए इसको जो है वो अवॉइड किया जाता है। एंड यहाँ से जो भी इस पर रूफ पे माउंटेड है, फिलहाल अगर हम बात करें तो ईजिली आप इसको जो है वो लॉक अनलॉक कर सकते हो, और यहीं से पुल डाउन कर सकते हो। उस मैकेनिज्म में यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, थोड़ा सा फिट एंड फिटनेस का ज़रूर यहाँ पे इशू है, बट अगेन इसको करते हैं बंद एंड चलते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल में, वहाँ जाके आपको बताते हैं। यहाँ पर भी अगर आप इंग्रेस करोगे तो बहुत ही ईजी इंग्रेस है, सिंगल स्टेप इंग्रेस है, अगर आपकी हाइट प्रोफाइल छोटी भी है तो भी कोई समस्या नहीं है। और ये जस्ट लुक एट दिस विंडो पैनल्स, यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल होता हुआ नजर आने वाला है, एंड पियानो फिनिशिंग अगेन, तो थोड़ा प्रीमियम टच तो जरूर देती है कंपैरेटिव C3 एयरक्रॉस। अच्छी बात ये है कि विंडो के कंट्रोल्स इस बार यहाँ पर आ चुके हैं, इस बार सिट्रॉन ने सुन ली है हम लोगों की फाइनली, एंड उनको जो है वो बॉटम कंसोल से हटाकर यहाँ पर पोजिशन किया है, विच इज गुड। अब जरा बात करते हैं इन सीट्स की, ये जो सीट्स आप देख रहे हो ना बहुत अच्छी लग रही है, लेदरी टच है, एकदम सॉफ्ट टच मटेरियल है, बहुत अच्छी लग रही है। आप इनको हाइट एडजस्टमेंट के साथ में ऑफर होते हुए देखोगे, एंड टू एंड फ्रो ये मूव होती है, साथ ही साथ रिक्लाइन एंड डिक्लाइन भी है, तो सारी मैनुअली है, कोई भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं है, अनलाइक
टाटा कर्व ऑब्वियसली यहाँ पर वैसे ही जैसे आप C3 Aircross में देखते हो, बटन टॉगल्स दिए गए हैं, ORVM के कंट्रोल्स आपके पास में, चाइल्ड लॉक है एंड साथ ही साथ आइडल स्टार्ट ऑफ के साथ में, ये है इसका हेडलाइट लेवलर। अब मुझे नहीं समझ में आता कि ये 10-11 लाख रुपए की गाड़ी में हेडलाइट लेवलर अभी भी टॉगल वाला दिया गया है। स्वल वाला दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ पर आपके पास में टिल्ट स्टेयरिंग व्हील ज़रूर है बट टेलीस्कोपिक नहीं है, जस्ट लाइक कर्व, कर्व के अंदर भी ये नहीं आता है दोस्तों। भाई ये स्टेयरिंग व्हील बिल्कुल वैसा ही है जो C3 में इस्तेमाल किया गया है और Aircross में इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारे स्विचेज हैं, नॉब्स हैं, यहाँ पर फ्लैट बॉटम दिया गया है बट कंप्लीट फ्लैट कहना इसको थोड़ा मुश्किल होगा। लेदर टच ज़रूर है इसके ऊपर भी एंड यहाँ पर थंब कंटूर्स भी ऑफर किए गए हैं। अब ज़रा इस चाबी को लगाते हैं एंड एक्टिवेट करते हैं यहाँ से। देखो की फॉब जो है वो दो अलग अलग तरीके, एक की फॉब नॉर्मल की फॉब एंड एक वही सिट्रॉन की चाबी आपको देखने को नजर आएगी। तो यहाँ से करते हैं इसको एक्टिवेट। अब यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है बड़ी MID, इसको आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोलो, MID बोलो, जो भी बोलना बोलो, काफ़ी बड़ी है ये, मेरे ख्याल में 7 से 8 इंच के करीब होनी चाहिए होगी। ये वही है जो C3 Aircross में भी इस्तेमाल की गई है। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास में स्पीडोमीटर देखने को नज़र आ रहा है, आप अलग अलग जगह इसको जो है वो यहाँ से मेन्यू से चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैं फिलहाल अभी चेंज कर रहा हूँ व्हीकल सेटिंग वगैरह में जाके, अभी फिलहाल इसको बंद कर देते हैं एंड क्लोज कर दिया अगेन। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास में डैशबोर्ड के सिंबल्स हैं, स्क्रीन छोटी है, मैं ज़रूर इससे थोड़ी शिकायत ज़रूर रहेगी एंड इसको भी कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है जैसे कि हमने C3 Aircross के अंदर भी देखा। यहाँ पर भी अब अगर आप देखोगे तो 10 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, काफ़ी बड़े से जो है उसके पास में इसकी आउटर बाउंड्री आपको देखने को नजर आएगी बट बहुत ही सिंपलिस्टिक डिजाइन फिलोसफी है। बाकी आपके पास में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल का आप ले, वायरलेस है, ब्लूटूथ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, मीडिया वगैरह सब चीज़ इसी लेआउट पे है। तो ये टच स्क्रीन जो है वो अच्छी है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक है और बहुत ही सिंपल होने की वजह से आपको ये अच्छी पसंद काफ़ी आने वाली है। नेविगेशन का बटन है इधर एंड रेडियो का बटन है, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो आप यहीं से एक्सेस भी कर पाओगे, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है इसके बारे में। नीचे अगर आप देखोगे तो AC के वेंट्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे C3 एंड C3 Aircross के अंदर आते हैं। बाकी इंटीरियर्स में थोड़ा सा चेंज, जो बदलाव है वो किया गया है, जैसे कि आपके पास में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल अब मिलता है एंड उसके ऊपर भी टॉगल्स दिए गए हैं। इसके टेम्परेचर को 14 एंड फिर लो तक लेके आ सकते हो बट जनरली जो है वो 16 तक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो दे पाते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल भी नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आपके पास में रिसाइकल का स्विच दिया गया है, यहाँ से आप जो है वो ब्लोअर की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये पैनल जो है वो एक्स्ट्रा अलग से जो है लगाया गया है, देखो यहाँ से आप पैनल लेआउट भी देख पाओगे, यहाँ से जो है ऐसा लग पाएगा कि यहाँ ये अलग लगाया गया है, बड़ी अच्छा लग रहा है। 12 वोल्ट का DC सप्लाई भी इधर है, हैजार्ड लैंप है इधर, एक USB A टाइप है, USB C टाइप आपको पूरी गाड़ी में कहीं भी देखने को नजर नहीं आएगी और यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस वगैरह वो तमाम चीज़ें यहीं दी गई हैं। अगेन आपके पास में एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी है, 6 स्पीड AT एंड 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ये फिलहाल आ रही है। ग्लव बॉक्स की अगर बात की जाए तो आपके पास में बड़ा ग्लव बॉक्स है, स्टोरेज स्पेस ये बन जाती है, यहाँ पे पेन पेंसिल रबर कटर जो भी रखना है वो रख सकते हो, कार्ड होल्डर एंड अगेन एक पेन होल्डर भी यहीं पर दिया गया है। बड़ी कूल्ड नहीं है, IRVM भी आपको मैनुअली देखने को नजर आएगा तो ऑटो डिमिंग नहीं मिलता है। लैंप्स आपको कुछ येलो कलर की ही देखने को नजर आएंगी, इधर भी कोई भी कार्ड होल्डर या मैं कहूँ टिकट कलेक्टर नहीं है। इस तरफ भी अगर आप देखोगे तो वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है विदाउट एनी लैम्प, ग्रैब हैंडल ऑफर किया गया है पैसेंजर साइड। कैबिन जो है वो लगभग वैसा ही लगेगा जैसा आपको C3 Aircross में मिलता है। तो चलिए अभी इसकी सेकंड रो में चलते हैं। गाइस बेसाल्ट के सेकंड रो में हम लोग फिलहाल बैठे हुए हैं, आप देखो कर्व के कंपैरिजन में यहाँ क्या क्या चीजें अलग हैं, डिफरेंट है, उसके बारे में जरा बात करते हैं। एक तो सबसे पहले आपके पास में अच्छा हेडरूम मिलता है, मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, उस हिसाब से ये जो हेडरूम है ना बहुत अच्छा है, सफिशिएंट इनफ है और तकरीबन 3-3.5 इंचेस के करीब जो है आपके पास में हेडरूम है। अगेन रिक्लाइन एंगल अगर आप देखोगे तो रिक्लाइन एंगल भी आपके पास में अच्छा है और सिंगल स्टेप ही एडजस्टेबल है, ऐसा कोई एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं है बट अंडर थाई सपोर्ट इज समथिंग जो आप एडजस्ट कर सकते हो एंड ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नाम मात्र के लिए इसकी अंडर थाई सपोर्ट एडजस्ट करता हो, ये एक्चुअली में काफ़ी अच्छी अंडर थाई सपोर्ट को अपलिफ्ट कर देता है जिससे आपका कंफर्ट बढ़ेगा लॉन्ग ड्राइव पे। एक चीज़ और जो मुझे अच्छी लगी यहाँ पर वो है ये हेडरेस्ट, अभी जो हेडरेस्ट है वो आप किसी भी एंगल पे देखो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, अगर आप लंबे सफ़र पे चल रहे हो एज शॉफर अगर आप चल रहे हो तो आप इजीली सो सकते हो, इनको रियल हेडरेस्ट कहना चाहिए, इस सेगमेंट में जनरली कोई नहीं दे रहा है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल आप देखोगे लेकिन कोई भी कोट हुक नहीं है, दोनों साइड ही कोट हुक नहीं है, वो चीज़ की कमी लगी मुझे एंड थैंकफुली यहाँ पर जो है सिट्रॉन ने इस बार अगेन पोजीशन कर दिया है विंडो के कंट्रोल्स। फाइनली आप जो है वो AC के वेंट्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं सिट्रॉन ने बसाल्ट के अंदर, लेकिन अभी भी USB A टाइप
क्यों भाई, एक तो कम से कम हमें यूएसबी सी टाइप मिलनी चाहिए। ये है ब्लोअर की स्पीड अगर आपको यहाँ से कम ज्यादा करनी है। बाकी फिट एंड फिनिश के मामले में ये अभी भी मुझे टाटा से ज्यादा बेहतर लग रही है। मटेरियल क्वालिटी में भी मुझे ज्यादा बेहतर लग रही है। जैसे कि आप इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट अभी फिलहाल देख रहे हो, यहाँ अगर आप देखोगे फिनिशिंग की अगर बात करें तो मुझे बेहतर नजर आ रही है कहीं ना कहीं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में ये है इसका आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट के साथ साथ दो कप होल्डर भी इसके अंदर दिए गए हैं विद अ मोबाइल होल्डर विच इज गुड। एंड अगर अगेन मैं बात करूँ यहाँ पे रिक्लाइन एंगल, शोल्डर रूम एंड नी रूम, हेड रूम की या लेग रूम की, तो सारी चीजें अच्छी है। स्पेशियस गाड़ी आप इसको कह सकते हो, और शोल्डर रूम भी आपके पास में अच्छा मिलता है। दो लोग इजिली यहाँ पर बैठ पाएंगे, लेकिन एक इंसान को यहाँ बैठने में जरा सी समस्या हो सकती है। बट क्योंकि ये अंडर थाई सपोर्ट एडजस्टेबल है तो यहाँ पर भी वो शेयर कर सकता है अंडर थाई सपोर्ट बाकी ये दो पैसेंजर्स के साथ में, दिस इज फॉर श्योर। अब जरा इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। गाइस बसाल्ट के अंदर वैसे तो दो इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, एंड ऑब्वियसली फिर दो तीन तरीके के जो है वो ट्रांसमिशन भी ऑफर किए गए हैं। ये जो इंजन है वो तो एक्चुअली टर्बोचार्ज इंजन है, लेकिन अगर आप छोटे वाले वेरियंट खरीदोगे तो आपके पास में एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी है, 1.2 लीटर का ये जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। दिस इज द सेम इंजन विच इज ऑल्सो ऑफर्ड इन C3, और C3 की एंट्री ही वहीं से स्टार्ट होती है। एंड यही रीजन है कि इसका प्राइस भी जो है जस्टिफाइबल है। 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन है वो आपको 82-83 PS की पावर प्रोड्यूस करता हुआ नजर आएगा, 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ऑफर किया गया है। बट इफ यू टॉक अबाउट दिस टर्बोचार्ज इंजन, तो ये जो टर्बोचार्ज इंजन है वो 110 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, एंड अच्छा खासा टॉर्क डिलीवर भी 205 के करीब का जो है वो टॉर्क डिलीवरी भी दे रहा है इन मैनुअल ट्रांसमिशन। एंड अगर आप इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीद रहे हो तो 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इंजन के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर है। दिस पोर्शन इज डेडिकेटेड टू टर्बो चार्जर है, एंड अगेन वो बहुत सारा स्पेस मार्जिन यहाँ पर भी ऑफर किया गया है। अच्छी बात यह है कि ऊपर भी कवर किया गया है ताकि इंसुलेशन पैडिंग एक एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पे मिलती रहे। उस तरफ फ्यूज बॉक्स है, एंड बैटरी पैक इधर जो है वो आते आते आप कूलिंग सिस्टम के अरेंजमेंट्स ऑफर होते हुए देखोगे। गाइस अगर आप 10 लाख के अंदर अंदर एक बजटेड कार देख रहे हैं ना, दिस कैन श्योरली बी योर ऑप्शन, क्योंकि ये 10 लाख के अंदर एक मिड साइज SUV की फील आपको देगी। ऑब्वियसली एक नए डिजाइन फिलोसफी के साथ में, जिसको हम SUV कूप कह रहे हैं यहाँ पे। और अगर इसके रियल कंटेनर के बारे में बात करें, दैट इज टाटा कर्व हेयर, और टाटा कर्व के पास में डिफरेंट फ्यूल टाइप भी हैं, एंड वो EV में भी आ रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पर चॉइसेस आपके पास में डिफरेंट है। लेकिन ये स्पेसिफिक की गई है पेट्रोल के साथ में ओनली, एंड आपके पास में दो इंजन ऑप्शन विद मल्टीपल यू नो ट्रांसमिशन ऑप्शन भी ऑफर किए गए हैं। अब सिट्रोन बसाल्ट जो है वो आपके पास में वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन के साथ में आएगी, और आप इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट 15 लाख के अंदर अंदर ऑन रोड उतरते हुए देखोगे, जबकि टाटा कर्व जो है वो तकरीबन 20-21 के आसपास भी जा सकती है। क्योंकि उसका अगर हम इलेक्ट्रिक पोर्शन देखें तो इलेक्ट्रिक तो ऑब्वियसली ऑन रोड जो है वो 25-23 के आसपास जो है वो डेफिनेटली जाएगा, बट उसका जब पेट्रोल पार्ट आएगा तो हम समवेयर अराउंड 19-18 के करीब एक्स शोरूम देखेंगे। इसका एक्स शोरूम 13-13.5 के करीब या मैक्स टू मैक्स 14.25 के करीब जो है वो फॉल होता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल तो ये तो था एक क्विक वॉक अराउंड जो हमने बसाल्ट के बारे में बताया। बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो इसके अंदर एड ऑन होती तो एक बहुत अच्छा पैकेज बन सकती थी वैसे, जिसमें पैसेज की लेस एंट्री, 360 डिग्री कैमरा एंड वेंटिलेटेड सीट्स आ जाती हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, डेफिनेटली प्राइस को काफ़ी जस्टिफाई कर देती और एक बेंचमार्क सेट कर देती फिर बाकी OEMs के लिए। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। अंडर फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप लर्निंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।